हमीरपुर से बड़ी खबर। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। फैक्ट्री सहित पुलिस के साथ मुठभेड़ करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर रात पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। पुलिस लाइन में एसपी ने किया घटना का खुलासा। मामला है हमीरपुर जिले के रात कोतवाली क्षेत्र के गौहानी गाँव के पास जंगल का, जहाँ अवैध असलाहा फैक्ट्री पकड़ने गई पुलिस व स्वाट टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पकड़ा है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में बने व अधबने असलहे व उपकरण बरामद किए हैं। जनपद हमीरपुर के राठ थाना अंतर्गत सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि एक ग्रुप है जो अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। इस सूचना पे स्वाट टीम को लगाया गया था, जो राठ थाना पुलिस के सहयोग से इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक ब्रिजभान उर्फ अन्ना, दूसरा बबलू उर्फ लाला बाबू, तीसरा मंगल विश्वकर्मा। इसमें ब्रिजभान पूर्व में भी 2 बार शस्त्र फैक्ट्री में ये जेल जा चुका है। बाकी भी पूर्व में जेल में जा चुके हैं। इनके कब्जे से 7 तमंचे और एक अधबने में 12 बोर की बंदूक, शस्त्र फैक्ट्री के बहुत सारे उपकरण, भट्टी, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। अभी इस पे हम और वर्क कर रहे हैं कि इनके द्वारा कहां कहां इसकी सप्लाई की गई है। इस संपूर्ण टीम के इस कामयाबी के लिए इसको 10,000 रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। हमीरपुर से आजहर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।